रविवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सोलन पहुंचे। इस दौरान उनका सोलन पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। लेकिन प्रदेश सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने दिन रात एक करते हुए प्रदेश में पानी की सुचारू रूप से सप्लाई लोगों को पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि मानसून में जो तबाही इस बार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है, उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है, लेकिन प्रदेश सरकार फिर भी प्रभावित लोगों तक राहत पहुँचा रही है। भारी बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, करीब 5000 करोड़ रुपए का नुकसान अभी आंका गया है। नुकसान के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। केंद्रीय वित्तीय जो सहायता है उसको लेकर राजनीति भी गर्म हो रही है। भाजपा का कहना है कि 350 करोड़ रुपए की सहायता मिल गई, सरकार का कहना है कि अभी वित्तीय सहायता नहीं मिली है, जो मिली है वो एडवांस किस्त जो मध्य प्रदेश को मिली। तो असली क्या है सर, केंद्र से कितनी सहायता मिली? नहीं देखिए, जो इस समय प्रदेश में माहौल है, हम किसी भी ढंग की राजनीति नहीं करना चाहते, और आगे सत्र आएगा, विधानसभा का सत्र, उसमें पूरा जवाब दिया जाएगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। अभी तक ठीक है, बहुत लोगों ने हिमाचल प्रदेश से हमदर्दी जताई है और इस की भारी नुकसान हुआ है, और अगर आप कुल्लू मनाली के क्षेत्र में जाएं तो आपको जो इस बाढ़ से तांडव मचा है उसकी एक्चुअल पिक्चर आप देख पाएंगे। और लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि केंद्र ने क्या मदद की है, अब तक जो हमें पैसा आया है वो पैसा जो हमारा पैसा है, जो हमें आना ही है, वो पैसा हमें आया है, चाहे वो पहली किस्त हो या सेकंड किस्त को एडवांस करने की बात हो, लेकिन वो स्टेट्स को जो पैसा आता है उस किट्टी में जो हमारा शेयर बनता है वो पैसा है। लेकिन हमारा 315 करोड़ रुपया तो अभी तक केंद्र के पास फंसा हुआ है, जिसकी कि हम आग्रह कर रहे हैं कि अब ऐसे माहौल में तो आप हमें वो पैसा हमारा दे दें। और दूसरा, केंद्रीय टीम आई है, केंद्रीय टीम ने भी सारा देखा है, हालात देखे हैं और देश दुनिया ने भी देखे हैं, उसके चलते केंद्रीय टीम जाके जैसे ही रिपोर्ट देती है, और हमें उम्मीद है कि केंद्र हमारी निश्चित तौर पे उदार मदद करेंगे, ये तो हम समझते हैं। और बाकी जहां तक हमारे अपने डिपार्टमेंट का सवाल है, हमारे को लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में अकेले जल शक्ति विभाग को हो गया है, और ये बहुत इतना मेजर नुकसान डिपार्टमेंट को कभी भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारी जो नई स्कीमें जल जीवन मिशन के तहत बनी थी वो बह गई हैं, कहीं लाइनें बह गई, कहीं पंप बह गए, कहीं पे पंपिंग मशीनरी बह गई, तो इसलिए नुकसान व्यापक है। और लेकिन आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस वेरी डिपार्टमेंट कि जिस जील से और जिस ताकत से उन्होंने स्कीमें बहाल की, आज पूरे प्रदेश में पानी है, आज हम मंडी में पानी बहाल किया गया और उहल की योजना से, और हमारे ऑफिसर्स ने जो है जान हथेली पे रख के वहाँ पे काम किया, हमारे कर्मचारियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने। इसी ढंग से कुल्लू में मेजर स्कीम जो मेन स्कीम है वो डैमेज हो गई, उसके चलते अल्टरनेट स्कीम जो सुमा की बहाल की गई, वहाँ भी हमारे ऑफिसर्स और कर्मचारियों ने बहुत मेहनत से काम किया है। और आप देख रहे हैं कि लाहौल स्पीति वगैरह से जो वीडियोज़ आ रहे हैं, नदी पार करके जो है लोगों ने जान जोखिम में डाल के पानी दिया है, और इसलिए आज लगभग पूरे प्रदेश में पानी देने में हम कामयाब रहे। हाँ ठीक है, हम कुछ को हमने अल्टरनेट स्कीमों से दिया, जो मेन स्कीम हमारी बहाल नहीं हुई, कुछ को हमने टैंकरों से दिया, कुछ को हमने
चाहे हैंडपंप को एनर्जाइज करके ही दिया है, चाहे हमने जो है पुरानी स्कीम से दिया या कोई अल्टर गांव का कोई सोर्स जोड़ के दिया, लेकिन पानी हमने हर जगह दिया। आज उसी कड़ी में जो है मैं सोलन में हूँ और सोलन में भी मैं अब अपने अधिकारियों से फीडबैक ले रहा हूँ कि यहाँ पे पानी की क्या स्थिति है, सीवरेज की क्या स्थिति है या ड्रेनेज की क्या स्थिति है, उसके जो मूल्यांकन चल रहा है। मंडी में अच्छी बहाली की है, कुल्लू में अच्छी बहाली हुई है, हमीरपुर में भी अच्छी बहाली हुई है और ऊना में भी अच्छी बहाली हुई है, और इसलिए सारी जगह जाके मैं खुद ताकि काम को गति दी जा सके। यहाँ तक हमारा सोलन ज़िले का सवाल है, हमें यहाँ पे 755 स्कीमें हैं हमारी वाटर सप्लाई की, और इसमें से हमारी 294 डैमेज हुई हैं, 294 डैमेज हुई हैं, और हमने 287 जो हैं वो बहाल कर दिए हैं। अब हमारे को टोटल लॉस जो है डिपार्टमेंट को अकेले सोलन ज़िला में 120 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, और हमारी 7 स्कीमें जो हैं इस समय जो है ख़राब हैं, जो मेजर रिपेयर मांग रही हैं, जिनमें वाटर सप्लाई स्कीम चंडी की है और ये दून कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, इसमें हमें 5.5 करोड़ रुपए का रिपेयर रिक्वायर्ड है, और जंडोरी की स्कीम है और इस स्कीम में 1.25 करोड़ रुपए का जो है रिपेयर के लिए ज़रूरत है, और इसके बाद कुनियार और अर्की की जो स्कीम है ये अभी नई स्कीम है, नई स्कीम को जो 10.5 करोड़ रुपए का लॉस हो गया है, फिर भी अर्की भी हमने बहाल की और हमने कुनिहार भी बहाल की और अल्टरनेट सोर्स से पानी जो है हमने मुहैया करवाया है, और सोलन टाउन की स्कीम को 4.25 करोड़ रुपए का लॉस है, और इसके बाद पट्टी की स्कीम जो है 80 लाख रुपए का उसको नुकसान है, और इसके बाद सियाड़ी की जो स्कीम है उसको 1 करोड़ रुपए का नुकसान है, और सिवरेज स्कीम्स को हमारी 7.5 करोड़ रुपए का नुकसान है। तो 120 करोड़ रुपए के आसपास नुकसान हो गया है, लेकिन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को हमने कहा है कि वो 24/7 काम करें, राउंड द क्लॉक काम करें, और लोगों से भी हमने अपील की है कि आप बिना वजह दबाव ना बनाएं। आखिर जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर लगे हुए हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी पीछे माता पिता हैं, उनके भी भाई बहन हैं, उनकी भी पत्नी जो है घर पे इंतज़ार कर रही है। तो जो लोग जो है अनड्यू प्रेशर क्रिएट करके जो है वो दूसरे की जान जोखिम में डालना चाहते हैं, हमें उनकी भी सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है, जो लोग आपको पानी पिलाना चाहते हैं और जिन्होंने पिलाया भी है, और विभाग ने जो है बेहतरीन काम किया है, राउंड द क्लॉक काम किया है, और पंपिंग मशीनरी चाहे उनको चंडीगढ़ से मंगानी पड़ी, चाहे अम्बाला से मंगानी पड़ी, चाहे दिल्ली से मंगानी पड़ी, चाहे इंटरनली अरेंज करनी पड़ी, हर चीज़ ऑर्गेनाइज की है, हर चीज़ मैनेज की है, और डिपार्टमेंट ऐसी आपदा में लगभग 200 करोड़ रुपया जो है अपने पास से जो है आगे फील्ड में भेज चुका है, ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को पानी मुहैया करवाया जा सके। तो ये तो कुदरत की बात है कि नुकसान हुआ है, और अभी तो मानसून चल रही है और नदियां आ रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे अफसर और कर्मचारी ने दो दो दिन खाना नहीं खाया, दो दो तीन तीन दिन लोगों ने कपड़े नहीं बदले, और यहाँ तक कि टूथब्रश तक नहीं किए लोगों ने अब प्रदेश की जनता को पानी मुहैया करवाने के लिए। तो इस स्पिरिट से और इस जुनून से, इस फौलादी इरादों से लोगों ने काम किया है, तो जनता को भी चाहिए कि जिनको पानी दे रहे हैं, डिपार्टमेंट दे रहे हैं, दे मस्ट अप्रिशिएट कि कैसे माहौल में जब नदियां उफन रही थी और उसमें जो है हमारे कर्मचारी कूदे हुए हैं, जब पाइपें ठीक करने के लिए जो है नदियों में जो है बेल्डिंग हो रही है, कितना खतरनाक काम है कि उधर पानी बह रहा है और उसके अंदर बेल्डिंग कर रहे हैं हमारे कर्मचारी,
तो ये बहुत जोखिमपूर्ण काम था। तो सबने काम किया और एक स्पिरिट से किया, और मैं तो इन सारे जो वर्कर्स हैं, खासतौर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स और दूसरे लोग जो कि नदियों में कूदे, जो उफनती नदियों में जिन्होंने जो है सिर धड़की बाजी लगा के पानी मुहैया करवाया, हम तो उनको सलाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं जिन्होंने पूरे हिमाचल की पूरी आबादी को आज पानी देने के स्थिति में हैं हम। और थोड़ा जैसी स्थिति सामान्य होगी बाकी स्कीमों को जो हमें हम बहाल करेंगे। जहाँ तक हमारी और HRTC पथ परिवहन निगम के जो हमारे लॉन्ग रूट के बसें हैं वो सारी चल रही हैं, वो बसेज हमारी चल रही हैं। और लेकिन इस ज़िले में हमारे 39 रूट्स जो हैं अविरुद्ध हैं, और जिनमें से सोलन में 28 हैं, राजगढ़ में 8 हैं और अर्की में 3 रूट हैं। और ये रूट जो है कहीं ना कहीं जहाँ पे रास्ते रुके हुए हैं, जैसे ही रास्ते खुलेंगे वो हम चला देंगे। और HRTC को नुकसान वही हो रहा है कि जो हमारे रूट रुक रहे हैं, अदरवाइज़ जो है हमारी बसें सारी सुरक्षित हैं। हमारे HRTC के वर्करों ने बड़ी मेहनत करके सारी बसों को सुरक्षित रखा और बचा। देखिए ये तो ऐसे घाव हैं जिनको भरने में बहुत समय लग सकता है, क्योंकि जो नुकसान है वो बड़ा मेजर नुकसान हुआ है और हर डिपार्टमेंट का हुआ है, हर ज़िले में हुआ है, और नुकसान का आकार बहुत बड़ा है। आप देख रहे हैं कि लोगों की गाड़ियां बह गई, लोगों की इमारतें बह गईं, और उसके बाद लोगों की प्रॉपर्टीज़ बह गईं, होटल बह गए और जानें चली गईं। और जब से मानसून चल रहा है लगातार कुछ लोग बह गए हैं, कुछ लोग एक्सीडेंट में भी गए हैं, तो लगातार ये सिलसिला चल रहा है। तो ख़ास तौर पे कुल्लू मनाली में जो है नेशनल हाईवे बह गया है, कुल्लू से मनाली नेशनल हाईवे उपलब्ध ही नहीं है, जिस नेशनल हाईवे का कीर्तपुर से लेके आप मनाली तक जिसका उद्घाटन का इंतज़ार कर रहे थे कि अब उससे पहले ही जो है वो मंडी के पास थोड़ा सा आगे पंडोक वाली ट्रैफिक बंद हो गई, और आगे कुल्लू से मनाली तो पूरी तरह बंद हो गई, वो अल्टरनेट रूट से चल रही है। अभी भी मणिकर्ण एरिया, दूसरे कुछ एरियाज जो है वहाँ पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये तो समय लगेगा इसमें, लेकिन प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत लगाई हुई है और हर जगह राहत पहुंचाई है। राहत नियमावली में भी परिवर्तन किया है, डंगे लगाने के लिए भी राशि बढ़ाई है, लोगों के घरों में जो है रिलीफ देने के लिए वो भी राशियां बढ़ाई हैं हर जगह से, और पशुओं का जहां नुकसान हुआ है वो राशि भी बढ़ाई है। जहां जहां मदद की जा सकती है सरकार कर रही है, और पूरा तंत्र जो है पूरा गेयर अप है। सर, कहीं ना कहीं देखा है ये नुकसान वहाँ हो रहा है, और फोर लेन ने जो निर्माण कार्य किया, जिन्होंने भी उन्होंने जो पानी की व्यवस्था की है, जो ड्रेनेज की व्यवस्था वो ठीक नहीं थी, उसके कारण लोगों को बहुत नुकसान हुआ। तो भविष्य में सरकार का क्या रहेगा? नहीं देखिए, थोड़ा सा जोड़ देता हूँ मैं तो, क्योंकि जो चंडीगढ़ से केतरीगढ़ तक फोर लेन का निर्माण हुआ है, जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है, जगह जगह पर धंस रहा है, जगह जगह पर कई नहीं। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक तो ये है कि किस वजह से नुकसान हुआ, जैसे आप कह रहे हैं कि फोर लेन का निर्माण सही नहीं हुआ, कोई कह रहा है नदियों की वजह से हो गया, कोई कह रहा है निर्माण की वजह से हो गया, कोई खनन की वजह से, तो मैं समझता हूं कि ये समय हमारा अभी तक पोस्टमार्टम करने का नहीं है। ये अध्ययन उसके बाद होगा कि हमारी नीतियाँ क्या होनी चाहिए, हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, हमारे भविष्य में क्या हमने नीतियाँ बनानी है, वो आने वाले समय की बात है। इस समय तो हमारा मुख्य लक्ष्य जो है रिलीफ एंड रेस्टोरेशन है, कि हम हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत कैसे पहुंचा सकें, कैसे उनकी बिजली बहाल रख सकें, कैसे सड़क बहाल रख सकें, कैसे पानी बहाल रख सकें, कैसे टेलीफोन सेवा बहाल रख सकें, कैसे उनके जो है घर तक पहुंचने का बंदोबस्त रहे, उनके पास खाने के लिए उपलब्ध रहे। ये सारा इस समय फोकस्ड एरिया जो है रिलीफ एंड रेस्टोरेशन है। बाद में ये सारी अध्ययन की बातें हैं, ये इन पे चर्चा आने वाले समय में होगी, मानसून जब चले जाएगा उसके बाद, कि हिमाचल को आने वाले समय में कौन सा रास्ता अख्तियार करना है।
ठीक है, इसमें फोर लेन के बहुत नुकसान हुए हैं, हमारे पहाड़ दरक रहे हैं। अभी भी मैं आ रहा था तो फोर लेन बंद हो गई, मैं अल्टरनेट रूट से आया घूम के, तो इसलिए ये क्या ये जो मसले हैं ये निश्चित तौर पे सामने आएंगे, लेकिन अभी तो सारा प्रशासन, सारी पुलिस, सारे महकमे जो हैं रिलीफ एंड रेस्टोरेशन में जुटे हैं। सर मेरा अंतिम सवाल देखिए, ऐसा है कि मैं खुद जो है मंडी लगभग 48 से 72 घंटे तक मैं खुद रहा ताकि पानी बहाल हो। कुल्लू में भी मैं 48 से 72 घंटे तक मैं खुद रहा ताकि हमारे ऑफिसर्स, हमने इंजीनियर इन चीफ कुल्लू में बिठाए हुए थे, हमने चीफ इंजीनियर कुल्लू में बिठाए हुए थे, एससी और कुल्लू में हमने 3 एडिशनल एक्सियन भेजे जो कि डिप्यूट करके कि आप भी तब तक वहीं पे रहेंगे जब तक हम सेवाएं बहाल नहीं कर सकें। तो जब हाईएस्ट जो रैंक ऑफिसर है वो अगर फील्ड में उतरा हुआ है और वो अगर खुद रेंच लेके खड़ा हुआ है, अगर वो खुद जो है चप्पल डाल के बैठा हुआ है और खुद लाइन जोड़ रहा है साथ में वर्कर्स के, तो बाकी वर्कर्स भी मोटिवेट होते हैं कि हमारा चीफ इंजीनियर भी बैठा है, हमारा एससी भी बैठा है, हमारा इंजीनियरिंग चीफ भी बैठा है। तो हमने सबको फील्ड में उतार के रखा होता, सारे ऑफिसर्स को, और सब अफसरों ने जो है इस ऐसे मौके पे काम किया। और जिसको भी हमने कहा, किसी भी चीफ इंजीनियर को कहा, सारे एससी, किसी भी एससी को कहा, किसी भी एक्सियन को कहा, उसने हमें जो है तत्काल लौट के हमें बताया कि हमने स्कीम बहाल की या नहीं की, या अल्टरनेट क्या जोड़ा, कि किस ढंग से हम पानी दे रहे हैं, किसी को हम 1 घंटा दें, किसी को 2 घंटे दें, चाहे टैंकर लगाएं, किसी भी ढंग से पानी पहुंचाएं। अभी जैसे मुझे सूचना मिली कि ठियोग में पानी नहीं पहुंच रहा है, अभी मैंने चीफ इंजीनियर से बात की, अभी चीफ इंजीनियर ने मेरे को रिवर्ट बैक भी कर दिया कि वहाँ पर पानी के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट फुल्ली जो है वर्किंग में है, और जब तक ये मानसून और ये दिखते हैं तब तक डिपार्टमेंट में हमने आपात कक्ष खोला हुआ है कि हमें सूचना आती जाए कि कौन सी स्कीम चल रही है, कौन सी बंद हो रही है, वो हमें लगातार डाटा भी मिल रहा है और उसमें जो करना है उसके लिए सुधारवादी कदम भी उठाए जा रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।